ये संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं इधर ही आ रहे हैं, निकाल रहा है। जिस तरीके से सदन पूरा जिम्मेदार रहा, कामकाज सही रहा, सत्ता पक्ष की तरफ माइक पीछे माफ क्या कर रहे हो, नारेबाजी की, तो वही विपक्ष ने अडानी के मसले पर जेपीसी गठित करने को लेकर लगातार नारेबाजी की। और इन सबके बीच मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 सालों की सजा हुई, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई, इन सबको विपक्ष जो है वो लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। और आज आखिरी दिन तिरंगे के साथ विपक्ष के तमाम निकले हुए हैं। हालांकि विपक्ष के मार्च के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, विजय चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, पुलिस का घेरा है, रोकने की तैयारी है। हालांकि सांसदों को विजय चौक तक ही मार्च करना है और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सबसे आगे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो और उनके साथ तमाम कांग्रेस के सांसद और अन्य विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विजय चौक की तरफ। उन सबके हाथों में तिरंगा जो है हम देख सकते हैं। खास बात यह है कि विपक्ष के इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तमाम विपक्षी।